अशोकनगर के मुंगावली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के लिए सुबह की चाय की चुस्की मौत बन गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों ने सुबह चाय पी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला जांच में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर जांच में लिया है। दरअसल मुंगावली के वार्ड क्रमांक 9 कछियाना मोहल्ला निवासी किशन सेन उम्र 70 साल की पत्नी कोमलबाई उम्र 65 साल ने सुबह चाय बनाकर पी। चाय पीते ही उसकी हालत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह चाय में गलती से चाय पत्ती की कीटनाशक जहरीला पदार्थ मिल जाने से दोनों की मौत हो गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर अमित आर्य ने मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने मामला जांच में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच में लिया है। इस पूरी घटना ने शहर का माहौल गमगीन कर दिया। यहां मंच से मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने शोक व्यक्त कर सभा को स्थगित कर मौन रखा। और धन्यवाद सभा थी। आज हमारे मुंगावली शहर के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। सेन समाज के दोनों पति पत्नी सुबह 4 बजे उठते थे और उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो स्वयं साहब पर डे मंदिर पर जाते थे, जो हमारे पिपरी रोड पर है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन सुबह उठकर दोनों पति पत्नी चाय बनाते थे। पोस्टर न्यूज के लिए अशोकनगर से भारतेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट।